नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज चैनल। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर खासतौर से आजकल सुपर एक्टिव नजर आ रही है। अलग अलग तरीके के अपने मॉडल्स रखे जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स को लेकर के हो, अस्पतालों को लेकर के हो, या फिर आदमपुर में उपचुनाव को लेकर के हो। तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अब हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, इससे पहले आदमपुर और हिसार के अंदर ही 2 दिन का प्रवास उनका देखने के लिए मिला था। और साथ ही साथ एक और चेहरा आम आदमी पार्टी के साथ जो कि हरियाणा का ही चेहरा है, वो भी देखने के लिए मिल रहा है। उसका नाम है अनुराग ढांडा, जो कि पार्टी के अंदर एक राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, स्वागत है आपका MH1 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से अब हरियाणा में आप, हालांकि दस्तक आपने 2019 में भी दी थी, लेकिन अब जो ये एकदम धमक बनाई है उपचुनाव की आहट के साथ, क्या कुछ आपका विजन है और क्या सिर्फ उपचुनाव के लिए ही ये तमाम जो गतिविधि एकदम से तेज की गई है वो देखने के लिए मिल रही है? नहीं, देखिए, विजन तो पूरे देश के लिए है और अरविंद केजरीवाल जी ने वो विजन पूरे देश के लिए, वो सपना देखा है, पूरे देश को विकसित देश बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है जिसका हर बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा पा पाए। हरियाणा उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। और हरियाणा की एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है, दोनों जगह आम आदमी पार्टी का शासन है, दोनों जगह हम इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। हरियाणा एक ब्रिज का काम कर सकता है कि अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हरियाणा के लोग भी ये सपना देखते हो हम लोगों के साथ मिलकर के, तो एक पूरा ब्रिज बन सकता है दिल्ली हरियाणा पंजाब। ये पूरा क्षेत्र एक साथ जब काम करना शुरू होगा तो इस इलाके के बच्चे और पूरे देश के लिए ये एक एग्जाम्पल बनेगा। अब गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर भी लोग पसंद कर रहे हैं इस मॉडल को। ये मॉडल बेसिकली है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और तब आपको समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा प्रचारित क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा लोग इसको लाइक क्यों कर रहे हैं। ये मॉडल दरअसल आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का मॉडल है। आज तक हम किन मुद्दों पर, जात पात पर, धर्म पर, इन सब पर राजनीति करते आए? आज तक आप कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, उस पर बयानबाजी कर दो, उसके नाम पे वोट मांग लो, ये सब करते आए हैं आज तक हम। हम ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए। जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया, पूरी दुनिया में चर्चा है दिल्ली के स्कूलों का, उस तरीके के स्कूल हम हर जगह बना सकते हैं। पंजाब में भी काम शुरू हो गया, पंजाब के शिक्षा मंत्री भी स्कूल स्कूल जाके, गांव गांव जाके बच्चों से मिल रहे हैं, टीचर्स से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनसे हम बेहतर बना सकते हैं, स्कूलों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और शिक्षा का बजट किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, कितना एक्सपेंड किया जाए, वो सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। साल दो साल के अंदर पंजाब में भी आप देखेंगे इसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जैसे दिल्ली में आ रहे हैं। 1141 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़ के सीधे IIT में, नीट में एडमिशन ले रहे हैं, सीधे दाखिला हो रहा है। और कौन बच्चे हैं, जो रिक्शा वाला है, जो रेहड़ी वाला कोई व्यक्ति है, जो पंचर लगाता है, पंचर की दुकान है, वो गरीब लोग, उनके बच्चे अब IIT में जा रहे हैं। और ये सरकारी स्कूल के थ्रू ही पॉसिबल है, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं हो सकता, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। तो हरियाणा के अंदर भी हम लोगों के बीच ये बात लेकर के जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार तो भट्ठा बिठाने पे लगी हुई है, पूरी तरह से पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है हरियाणा को, उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं, कोलैप्स करने पे लगे हुए हैं। नई नई पॉलिसी ला रहे हैं और इस तरीके की पॉलिसी ला रहे हैं जो बर्बाद कर देंगे पूरे एजुकेशन को हरियाणा के। बच्चे सड़क पे हैं जिनको स्कूल के अंदर होना चाहिए, जिनको क्लासरूम में पढ़ना चाहिए, वो बच्चे अपने टीचर्स मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, सड़क पे चिल्ला रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई बात नहीं, SS का टीचर पढ़ा लेगा हिंदी इंग्लिश भी, कोई बात नहीं, ये फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ा लेगा, और रैशनलाइजेशन हमने कर दिया है, हम ये देखेंगे कि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। ये नहीं देखेंगे कौन से सब्जेक्ट हैं, उन 30 बच्चों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने, मान लो एक टीचर पढ़ा देगा क्या? तो इतने इलॉजिकल फॉर्मूले ये लेकर के आ रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पे लगे हुए, स्कूल बंद करने पे लगे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से MH1 की भी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इस तरीके की व्यवस्था थी कि कहीं 2 बच्चे थे वहां भी जो है टीचर्स बैठे हुए हैं, और एक व्यवस्था बनाई हुई है कि पंजाब के स्टूडेंट्स वहाँ पर 2 बिठा दिए हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। इस व्यवस्था को, जो टीचर जो इस तरीके से कहीं ना कहीं खाली जिन स्कूलों के अंदर बैठे हुए थे, इसलिए उन स्कूलों को मर्ज किया गया। एक स्कूल अगर दूसरे स्कूल में, तो मर्ज करने का मतलब वो ख़त्म नहीं हुए, उन दोनों स्कूलों के अंदर जो शिक्षा है वो दी जाएगी, लेकिन उन्हें एक अलग अलग स्कूल ना कह के एक स्कूल कहा जा रहा है, तो मर्जर में कोई स्कूल खत्म नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। देखिए, हम गए गांव गांव, गए लोगों के बीच ये समझने के लिए गए, लोग एजिटेटेड हैं कि 10-10 साल तक गांव के लोग जब पीछे घूमते हैं, मंत्रियों के हाथ जोड़ते हुए घूमते हैं ना, तब एक पर्ची पे लिखता है वो मंत्री और तब ये आदेश देता है कि एक स्कूल खोल दो यार, इस स्कूल में एहसान करते हैं मंत्री,
ऐसे करके ये स्कूल खुले हैं, गांव के लोग अपनी जमीन देते हैं, श्रमदान करते हैं, पैसा देते हैं, कमरे बनवाते हैं, तब जाके ये स्कूल बनते हैं सालों की मेहनत के बाद। और बंद करने में एक ऑर्डर लगता है, एक मिनट लगता है, आप उसमें लिस्ट बना देते हैं, एक स्कूल एक लिस्ट में तब्दील हो जाता है। हमने ये जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जहाँ बच्चे कम हैं वहाँ पर हमने स्कूलों को मर्ज किया है। हम गए उन स्कूलों में, हमने जानने की कोशिश की, गाँव वालों से पूछा, गाँव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए क्या, गाँव में बच्चे सारे विदेश भेज दिए क्या पेरेंट्स ने, या गांव की जनसंख्या कम हो गई, विस्थापन हो गया क्या, कहीं सारी पॉपुलेशन चली गई क्या गांव की? ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी गांव में। गांव के लोग हंसते हैं जब हम ये सवाल पूछते हैं, और उसके बाद हम पूछते हैं उन लोगों से कि भाई अगर आप इन बातों पर हंसी आ रही है आपको, यही तो तर्क दे रहे हैं मुख्यमंत्री कि गांव में बच्चे कम हो गए। गांव में बच्चे कम नहीं हुए, आपके स्कूल में बच्चे इसलिए नहीं आते, उन स्कूलों की हालत आप जाके देखिए ना, आप अपना कैमरा अपने चैनल को लेकर के जाइए किसी भी ऐसे स्कूल में जो मर्ज किया है, उस स्कूल के अंदर पीने का पानी जो है वो जहर है, कीड़े दौड़ रहे हैं उसके अंदर, काई लगी हुई है सारी टंकियों में, खुली टंकियां उनमें से पानी पीते हैं बच्चे। उस स्कूल के अंदर टॉयलेट्स हैं नहीं, बच्चियां जाएंगी कैसे स्कूल के अंदर, टॉयलेट ही नहीं है स्कूल के अंदर, टूटे फूटे पड़े हैं, बहुत बुरी अवस्था में टॉयलेट्स हैं। जिन क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं बेंच नहीं है, उनके गिरने को हो रहे हैं, टूटे फूटे कमरे हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पढ़ाने कोई सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है, तो फिर कैसे जाएंगे बच्चे उन स्कूल में? जिसकी भी क्षमता है 100 रुपए देने की भी, वो 100 रुपए के लेवल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। जिसकी क्षमता नहीं है 100 रुपए देने की भी, सिर्फ वो बच्चे रह गए उन स्कूलों में, क्योंकि आपने शिक्षा का मॉडल हरियाणा के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपने दिल्ली के अंदर जो है करके दिखाया है, जिस तरीके की व्यवस्था स्कूलों की बनाई है, खासतौर से आपका टारगेट शिक्षा को लेकर के रहेगा। देखिए, शिक्षा प्राथमिकता है पहली, मतलब 5 पॉइंट एजेंडा जो अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि पूरा देश इससे विकसित देश बन सकता है, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता ये, अगर देश का एक भी बच्चा अच्छी शिक्षा के बिना रह गया, आप लाख सपने देखते रहो, आप विकसित देश नहीं बना सकते भारत को। हमारे हम भी यही पढ़ते आए बचपन में, आपने भी पढ़ा होगा, भारत विकासशील देश है विकसित देश बनेगा। हमारे बच्चे भी आज यही पढ़ रहे हैं कि भारत विकासशील देश है विकसित देश बनेगा। इनके हिसाब से चलते रहे तो अगले 60-70-100 साल भी ऐसे ही रहेगा, विकासशील ही रहेंगे। हम विकसित तभी बन सकते हैं जब हर एक बच्चा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाए, अपने आप को अपने परिवार को गरीबी से निकाले। ये सारे बच्चे 1141 बच्चे जो IIT JEE में नीट में दाखिला हुआ है, जिनका इनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, बहुत सारे बच्चों के, वो अचानक वो जब जॉब लगेंगे ना, 2 लाख रुपए का पैकेज लगेगा उनका, सीधे 2 लाख रुपए की तनख्वाह होगी, वो सारे परिवार गरीबी से बाहर आ जाएंगे। यही एक तरीका है देश को विकसित देश बनाने का, हम उसी मॉडल पे चल रहे हैं। स्टूडेंट का शिक्षक का एक रेशो होना चाहिए और इसी रेशो के अंदर जो है शिक्षक होने चाहिए, इसीलिए जो संख्या है वो घटा करके, जो जॉब को टारगेट कर रहे हैं शिक्षकों की, इसीलिए वो घटा करके रखी गई है, हरियाणा सरकार का ये कहना है इसको लेकर के, इसको आप कितना जायज मांग? नहीं, बहुत इलॉजिकल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई गुंडागर्दी करानी है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, अगर आपको नारे लगवाने, विवाद पैदा करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, जात पात करना है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, स्कूल अस्पताल अगर बनाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। ये काम हमें आता है, इनको नहीं आता ये काम, ये सोचते ही नहीं है उस दिशा में, बहुत इलॉजिकल पॉलिसी है ये। जो आपने अभी जिक्र किया, मैं उस पर 2 लाइन अब मैं बात बता देता हूँ, बहुत इलॉजिकल पॉलिसी है। आप ये देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे हो और उसको डिवाइड कर दे रहे हो सीधे, मान लीजिए 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर देना है, आपने सीधे देखा कि 600 बच्चे हैं और 30 से डिवाइड कर दिया तो 20 टीचर दे देंगे हम। अरे किस सब्जेक्ट के बच्चे हैं? क्या 11th क्लास में 30 बच्चे हैं, आपने उसमें एक टीचर दे दिया, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा क्या वो? सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा वो एक टीचर? अचानक ही अलादीन का चिराग लेकर के आए, 38,000 पोस्ट बताते थे शिक्षा मंत्री साल के शुरू में, साल का अंत आते आते अचानक से ये नई पॉलिसी लेके आए, 15,000 रह गया सब कुछ, सारी पोस्ट 15,000 रह गई। अब ये 3800 पोस्ट इन्होंने निकाली थी 3 साल पहले, 3 साल बाद वो भर्ती नहीं हुई, 3800 लोग भर्ती नहीं हुए। पूरे दावे के साथ कहते हैं कि 15,000 में से भी शायद 11,000 की जरूरत पड़े। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बर्बाद करना चाहते हैं, ये पढ़ाना ही नहीं चाहते, ये पूरी अनपढ़ों की पार्टी है, अनपढ़ रखना चाहती है गरीबों को भी, गरीबों की शिक्षा को ये खत्म कर देना चाहते हैं, ये चाहते हैं सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाए, सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ पाएं, गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं, रह ही नहीं पाए। तो जो हम इतने सालों में जो देश को यहां तक लेकर के आए हैं, ये वापस से 1947 से भी पीछे और उससे भी पीछे धकेल रहे हैं। ये सब करोगे कैसे हरियाणा में? ना आपके पास संगठन है, ना आपकी सरकार है, उपचुनाव के अंदर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप क्या दे पाएंगे उपचुनाव के अंदर? अगर वहां पर किसी तरीके से आपको कोई वोट प्रतिशत मिल भी जाता है जीत को लेकर के, क्योंकि एक तरफ जननायक जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, किस तरीके से आप जो है इस परिवर्तन को करेंगे? उपचुनाव में लगातार आप वहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, आदमपुर का उपचुनाव 2024 के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए दरवाजा है, और आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे पे वो चुनाव लड़के
वो दरवाजा खोलेगी इस बार आदमपुर में। आदमपुर में इन्होंने दादालाई सीट बना रखी है, हम इस बार दादालाई तोड़ेंगे वो किसी भी कीमत पे। और वो इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि वहां के लोग खफा हैं। आप कह रहे हो आपने पार्टी चेंज किया, आप मुझे कह रहे हो कि सरकार तो नहीं बनेगी वहां पे विधायक बनने से, तो ये कुलदीप बिश्नोई जी जीत जाएंगे या हार जाएंगे उससे सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा? सरकार तो उधर भी नहीं बन रही। हम विपक्ष में हम लगातार ये कह रहे हैं आदमपुर के अंदर कि ये जो उपचुनाव है ये हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बदल सकता, लेकिन ये हरियाणा का भविष्य बदल सकता है। ये परिवारवाद की और दोस्तवाद का सबसे बड़ी मिसाल है ये आदमपुर का उपचुनाव। ये परिवारवाद रहा इनका 1968 से लेके एक ही परिवार के वहां पर विधायक बनते हुए आ रहे हैं उस सीट पर, परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद दोस्तवाद, इनका 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, ये तो कोर्ट डॉक्यूमेंट है, कोई भी देख सकता है। 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, जून के महीने में इन्होंने अर्जी लगाई कि हमारे पासपोर्ट जमा है जी वो वापस कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि क्या फायदा, लुकआउट नोटिस जारी है तो आपके पासपोर्ट वापस भी कर देंगे तो आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो वो अपील इनकी रिजेक्ट कर दी। जून में अपील रिजेक्ट हुई, तुरंत उसके बाद पैरों में जाके गिर गए कि हमें भारतीय जनता पार्टी में ले लीजिए, केस सेटल कर दीजिए किसी भी तरीके से। इस वजह से गए हैं ये, अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी में। ये आदमपुर के लिए थोड़ी गए भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री से मिले थे कुलदीप बिश्नोई आकर के, उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रखी है वहां की मांगे, जो आदमपुर की मांगे हैं, चाहे वो वहां बैठे धरने पर जो किसान है उनकी मांगे हो या फिर स्कूलों की दिक्कत हो। MH1 से बातचीत में उन्होंने बताया कि हमने तमाम जो समस्याएं वो रखी और मुख्यमंत्री ने कहा है कि तुरंत उनका समाधान करके उनका निवारण किया जाए। देखिए मैंने वो इंटरव्यू सुना था और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की हो नहीं सकती। और इतनी जलालत सह के भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो ये तो अब सारी जनता को समझ में आ रहा है कि इनकी कोई मजबूरी है, इनकी कोई फाइल पकड़ में आ गई है बीजेपी के, और ये अब कहीं जा नहीं सकते। आप खुद सोचो, मुख्यमंत्री से मिले, बाहर बयान भी दिया, मैंने स्कूलों की बात कह दी है, ये मेरा वादा है कि इन स्कूलों को कुछ नहीं होगा, और उसके बाद 19 तारीख में ऑर्डर आता है, उस मीटिंग के बाद सरकारी ऑर्डर आता है, मर्जर का ऑर्डर आता है, उसमें आदमपुर के ढाणी मोहब्बतपुर वाले स्कूल का नाम है मर्ज कर दिए गए हैं, उसमें असरामा के स्कूल का नाम है मर्ज कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी, किस लिए बेइज्जती झेल रहे हैं? अगर आदमपुर से थोड़ा भी प्यार होता, आदमपुर की बेटियों को अपनी बेटी समझते कुलदीप बिश्नोई, तो इस्तीफा फेंक के मारते मुख्यमंत्री जी के मुंह पे कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो आदमपुर का भला नहीं कर सकती, जो आदमपुर के बच्चों का भला नहीं कर सकती। आदमपुर में तो इनको टीचर भी देने पड़ेंगे, इनको स्कूल भी खोलने पड़ेंगे, अल्टीमेटम दे रखा है हमने एक हफ्ते का सरकार को, इनको वहां पे सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, नहीं तो इनके विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। लोग सड़क पे हैं और लोग पूरी तरह से गुस्से में हैं, विधायकों को छोड़ेंगे नहीं इस बार। बिना संगठन के सब कुछ कर देंगे आप, 2024 में सरकार भी बना लेंगे, आदमपुर भी जीत लेंगे आप? 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर, सब जगहों पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है, सब जगहों पर हम कार्यकर्ताओं से चर्चा करके संगठन बनाते हैं। हम इस तरीके से संगठन नहीं बनाते कि कोई लिस्ट जारी कर दी और उसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं बनता। सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद एक महीने के अंदर पूरे हरियाणा में ऊपर से नीचे तक पूरे संगठन का अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी करेगी, और ऐसा मजबूत संगठन बनाएंगे कि 2024 के चुनाव में सरकार भी बदलेंगे, व्यवस्था भी बदलेंगे। चेहरा कौन है आपके पास प्रदेश के अंदर, किसको चेहरा मानते हैं आप? और अगर हम देखते हैं संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रमुख तौर से जो लोग आपने इम्पोर्ट करे हैं, कुछ एक चेहरों को छोड़ दिया जाए तो आपके पास कोई बहुत लंबी फहरिस्त जिलों के हिसाब से भी नहीं है, तो किस तरीके से आप ये सब करेंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब, सुना था आपने, वो दो दो सीट से चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ जो लोग चुनाव लड़े थे नाम याद है आपको उनके? लेकिन दोनों जगह से मुख्यमंत्री साहब हारे। तो आम आदमी का चेहरा नहीं होता, आम आदमी हम लोगों के बीच में से एक होता है, बस उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये समाज बदलना चाहिए, ये पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। आदमपुर में 26,000 बच्चे हैं और इस पूरे प्रदेश में 24,00,000 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर उन सबके पेरेंट्स का सपना बन जाए कि मेरा बच्चा पढ़ करके यहाँ से और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकता है, बहुत अच्छी जगहों पे जा सकता है, तो ये लोग ही सत्ता बदल देंगे, ये लोग सपना देखना शुरू करेंगे, ये लोग सत्ता बदल देंगे। तो आप 2019 में भी दिखा सकते थे, आपने कोशिश भी की, लेकिन आपके जो गठबंधन के जो साथी थे, आज सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री का पद है उनके पास, और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जमानत जब्त हुई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, ज़्यादातर सीट अगर आप निकाल के आंकड़ों में भी देखें तो बहुत कम जो है जो वोट है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ। देखिए हम तो बोलते हैं कि हम लोग अपनी गलतियों से, एकमात्र संगठन आम आदमी पार्टी का ऐसा है कि हम ये नहीं कहते कि हम गलती नहीं करते, लेकिन हम गलती से सबसे जल्दी सीखने वाली पार्टी है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमने ये सीखा है कि ये गठबंधन वठबंधन सब जो है ये जुगाड़ है,
ये मजबूरी के गठबंधन है, ये वोट मांगा बीजेपी के खिलाफ जाके उनकी गोद में बैठ गए, ये कोई गठबंधन है? ये लोगों के साथ धोखा है। हम लोग ये गठबंधन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक सपना देखते हैं, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं। जो गठबंधन करता है उसका सपना होता है कि कितने पैसे कमा लूं, कितने मंत्रालय ले लूं, किस तरीके से कमाई करूं। हम लोग नहीं कर सकते ये सब, ये नहीं चल सकता। मैं वही बोल रहा हूं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। सबसे तेजी से सीखने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। अगर हम कोई गलती कर दें तो हम उससे बहुत जल्दी सीखते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करते उस चीज को। और जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर ये मॉडल एस्टेब्लिश हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ता है। पंजाब में हम पहले चुनाव में इसी तरीके की हवा थी, लोग बहुत लाइक करते थे, नहीं आ पाई सरकार क्योंकि शायद लोगों का भरोसा उस तरीके से नहीं जमा था तब तक। लेकिन दिल्ली में उन्होंने लगातार देखा, एक के बाद एक तीन बार सरकार बनी, स्कूल एक के बाद एक अच्छे होते चले गए सारे के सारे। तो पंजाब के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हो सकता है, ये एस्टेब्लिश्ड है, तो उन्होंने यकीन किया। अब जब पंजाब में होते हुए लोग देख रहे हैं कि बिजली फ्री, पहले कहते थे दिल्ली में तो कर सकते हो, केंद्र हेल्प करता होगा, और कहीं नहीं कर पाओगे, पंजाब में आते ही कर दी, और कर्ज भी चुका रहे हैं वापस जितना छोड़ के गई थी कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि लोग जब देखेंगे ये कि ये पंजाब में भी हो रहा है तो वो विश्वास बढ़ता जाता है। पंजाब के चुनाव के बाद बहुत अपलिफ्ट आया है हरियाणा के अंदर। और अगर आप वोट परसेंटेज में देखें, जो आप कह रहे हैं जमाना जब्त हुई थी, 1-2% वोट होगा हमारा पहले, तो अब जो नगर निकाय का चुनाव हुआ उसमें हमें इसी रीजन में जहां हम बैठे हुए हैं 15% वोट मिला है, यहां पे कहीं 12% मिला है, कहीं 13% मिला, और बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो चुनाव हुआ था पंजाब के बाद। दिन ब दिन हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, दिन ब दिन लोगों के बीच पहुंच रही है विचारधारा। गुजरात का चुनाव और आने दीजिए, आप खुद कहेंगे कि अगली सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की को लेकर के आप पूरा डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, ये दिखाई भी दे रहा है, आपके बयान भी हर रोज आ रहे हैं, ट्वीट भी आ रहे हैं। इसी तरीके से कभी नवीन जैन, हालांकि उनके पास भूमिका जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे थी, वो भी यहाँ पर इसी तरीके से सक्रिय थे, अभी भी नायाब तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं पेंशन्स को लेकर के, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, कभी अलग अलग मुद्दों को लेकर के उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं देखिए, कोई नौकरी थोड़ी करता है किसी पार्टी के अंदर, कोई नौकरी थोड़ी करता है कि मैं अगर कहीं किसी चैनल में, किसी पार्टी में या कहीं किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कह दिया कि आप यहाँ नहीं आ रहोगे। कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं सारे लोग पार्टी के अंदर, और कार्यकर्ता क्या काम करना चाहता है ये तो अपनी इच्छा पे, स्वतः इच्छा पे निर्भर करता है। कौन कार्यकर्ता किस दिन क्या काम करना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, किस के साथ रहना चाहता है, किस आइडियोलॉजी में रहना चाहता है, ये अपना मन होता है हर किसी का। नवीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पर्सनली अगर आप देखो तो, लेकिन आज के दिन में वो किस भूमिका में ये तो वो तय करेंगे ना, ये हम कैसे तय कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि दिल्ली का मॉडल आप रखते हैं, दिल्ली को तो एक शहर के तौर पर देखा जाता है, हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर गांव बसते हैं, यहाँ इस तरीके की व्यवस्था जो है आप किस तरीके से लाएंगे? पहले पंजाब में करके दिखा दीजिए, आप पंजाब में किस तरीके की व्यवस्था बदलेंगे? तो हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं कि पंजाब में नहीं करेंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ। पहले लोग कहते थे दिल्ली तो छोटा सा मेट्रोपॉलिटन सिटी आप कर लोगे, पंजाब में नहीं कर पाओगे। अब हम पंजाब में कर रहे हैं तो उनके पेट में और ज्यादा दर्द हो रहा है कि ये तो पंजाब में भी कर दे रहे हैं। बिजली फ्री कैसे कर दी? बिजली फ्री आते ही कर दी हमने। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हमने देना शुरू कर दिया हमने। ये तो पूरा एग्रीकल्चर का प्रदेश है पंजाब, तो वहां पे जो आपके ट्यूबवेल कनेक्शन थे हमने 1/3 कर दिए उसके रेट। किसानों ने मतलब लाखों की तादाद में कनेक्शंस लिए हैं वहाँ पे, हजारों लाखों की तादाद में। तो जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है, स्कूलों पे हम काम कर रहे हैं लगातार। कुछ दिनों में आप देखेंगे महिलाओं को 1000 रुपए की जो सम्मान राशि की हमने बात की थी वो देंगे हम। तो सारे वादे एक एक करके पूरे कर रहे हैं, और इतने शॉर्ट नोटिस पे। मैं पंजाब में भी आपको कहूँ, 14,000 करोड़ रुपए का ये करने के बाद भी कर्जा चुकाया है हमने वापस, जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस। तो हमको काम करना आता है, हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, हम लोग वो पैसा बचाते हैं। सब जगह इंप्लीमेंट हो सकता है ये मॉडल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हैं कि आप फ्री बीज को लेकर के घोषणाएं कर देते हैं, फिर केंद्र में आकर के प्रधानमंत्री के सामने कटोरा लेकर के मुख्यमंत्री पंजाब खड़े हो जाते हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, फ्री बीज के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में। कि इतनी चीज़ें हम दिल्ली में फ्री देते हैं, क्या क्या फ्री देते हैं? बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, स्वास्थ्य फ्री देते हैं, शहीदों को सम्मान राशि भी देते हैं, महिलाएं बस में चली जाएं तो फ्री में सफ़र कर सकती हैं, इतनी चीज़ें फ्री, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ये सब कुछ फ्री देते हैं। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं देते, नहीं देते ना, कुछ नहीं देते ना हरियाणा सरकार फ्री। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। पंजाब में अभी अभी हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस भी कहती है नहीं फ्री, कुछ नहीं फ्री देते थे पंजाब के अंदर, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए। यूपी में 5-6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है बीजेपी की सरकार, राजस्थान में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है कांग्रेस की सरकार है, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 3-4 लाख करोड़ का कर्जा वहां पे भी है। दिल्ली में हम सारी सुविधाएं फ्री देते हैं, 1 पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, 1 रुपए का कर्जा नहीं है। तो ये सब नियत की बात होती है कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये फ्री बीज नहीं देते तो इनके ऊपर कर्जा क्यों है, बताते क्यों नहीं खट्टर साहब?
और ना स्कूल अच्छे हुए, ना अस्पताल अच्छे हुए, कर्जा बढ़ता चला गया और फ्रीबीज भी नहीं देते, कहां जाता है पैसा? आपको सरकार लेकर के अगर आनी है तो एक मुद्दा ऐसा है जो अनसुलझा है, और अगर वो अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी सुलझा देती है तो एक बड़ा क्रेडिट जो है दशकों से जो पर राजनीति केवल हो रही है, बयानबाजी हो रहे हैं, केवल वो मुद्दा जो है सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार दिल्ली में भी आपकी है, पंजाब में भी आपकी है, बीच में SYL का पानी जो दिल्ली को भी मिलेगा, वो अगर मसला सुलझ जाता है, उस मसले को लेकर के क्या स्टैंड आपका रहेगा, एक सेतु के तौर पर जो भूमिका रहेगी हरियाणा की, जिसमें आपने शुरुआत में उदाहरण भी इसको लेकर के दिया? देखिए, बहुत बहुत स्पष्ट इसका जवाब दिया, दोनों मुख्यमंत्री हिसार में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, हम प्रेस का सामना करते हैं, हम लोग तो जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी तो कभी बैठेंगे नहीं प्रेस के सामने, दोनों मुख्यमंत्री ने बैठ के बहुत स्पष्ट इसका अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया कि ये मुद्दे बनाए रखने में यकीन करते हैं, ये स्टैंड पूछते हैं बार बार स्टैंड, कांग्रेस का क्या स्टैंड है SYL पे हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर क्या स्टैंड है कांग्रेस का, बीजेपी का क्या स्टैंड है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर क्या स्टैंड है, और ये दोनों सरकारें ऐसी हैं, कांग्रेस की तीनों जगह सरकार रह चुकी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, केंद्र में भी, अगर चाहते तो कर सकते थे ना सॉल्व, तीनों जगह अपनी सरकार थी, बीजेपी की भी तीनों जगह सरकार रह चुकी, वाजपेयी जी के टाइम में भी, अभी भी दोबारा से तीनों जगह सरकार, तो आप भी इसी पैटर्न नहीं, नहीं, को फॉलो करेंगे? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूं, ये चाहते तो सॉल्व कर सकते थे अगर इनके बस का होता तो, यानी ये बात तो स्पष्ट है कि ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे को नहीं सुलझा सकती, इनके बस का नहीं है, तो हमें तो अभी ऑप्शन मिला नहीं है, हमारे पास तो अभी मौका आया नहीं है, तीनों जगह हमारी सरकार होगी, आपसी सामंजस्य से ये सारे विवाद सुलझाए जा सकते हैं अगर नियत हो तो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या उनको पंजाब से? पहले कहते थे पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक देंगे हम, पाकिस्तान से वो पानी इधर ले आएंगे, इंडिया को मिल जाएगा, वो पानी क्यों नहीं लाते पंजाब में? हरियाणा से ज्यादा प्यारा है क्या पाकिस्तान मोदी जी को? अगर नहीं है तो क्यों नहीं लाते पानी? वो पानी का बंटवारा होता रहेगा, नहर की खुदाई तो कम से कम होनी चाहिए, जिसे पिछली सरकार के समय में बंद कर दिया गया था, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुदाई तो कम से कम होनी चाहिए, इस पे तो मुख्यमंत्री को अपना स्पष्ट बयान देना चाहिए कि हरियाणा छोटा भाई है और हम उसको ये नहर जो खुदाई है ये करेंगे, और केंद्र जो है अब न्याय करे पंजाब के साथ भी, हरियाणा के साथ भी, दिल्ली के साथ। नहीं देखो, दो चीजें हैं, एक तो बिना पानी के नहर का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही इलॉजिकल सी बात है, मतलब नहर बने पानी मिले, अगर पानी नहीं है तो फिर नहर का कोई फायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ केंद्र की जिम्मेदारी है, मान लो दो बेटों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा है तो पिता ही तो बैठ के रिजॉल्व कराता है, पिता ही तो बैठ के बातचीत कराता है, या वो ये कह देता है दोनों बेटे लड़ो आपस में, मैं राज करूंगा। ये तो अंग्रेज करते थे, आपस में लड़वाते थे, राज करते थे, हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वा रहे हैं, मजे ले रहे हैं बैठे हुए, क्यों नहीं बोलते मोदी जी इस मुद्दे पे? क्यों नहीं इकट्ठे बैठा के समझौता करा देते? क्यों नहीं पानी का इंतजाम करा देते? पंजाब के लिए भी करा दें, हरियाणा के लिए भी करा दें पानी का इंतजाम, क्यों नहीं कराते? पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं? वहां से रोक के दोनों स्टेट को दे दें, दोनों स्टेट खुश हो जाएंगे, दिल्ली को भी पानी मिल जाएगा, क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ भी? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है, उनकी नीयत नहीं है, लड़ते रहो आपस में, सालों साल बीतते जाएंगे, दशकों बीतते जाएंगे, ना बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, ना अस्पताल बनेंगे, ना मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, ना 24 घंटे बिजली मिलेगी, ना फ्री बिजली मिलेगी, लड़ते रहो आपस में, एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी विदेश दौरे को लेकर के अभी कुछ चर्चाएं सामने आ रही हैं, कितनी सच्चाई है कि वो नशे की हालत में थे और लुफ्तांजा की फ्लाइट से उन्हें वापस उतार दिया गया? नहीं देखिए, टोटल बकवास है ये जो पार्टियां ये आरोप लगाती हैं या इस तरीके की खबरों को फैलाने का काम करती हैं, इनके पल्ले है नहीं कुछ, अब लोग समझ गए इनकी असलियत, इनके ना इनके पल्ले विधायक है, ना इनके पल्ले नेता है, अपनी सीटें हार चुके हैं, राजनीति आगे नजर नहीं आ रही है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये किस तरीके से इस विचारधारा का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि गुजरात में तो कोई जा ही नहीं सकता, गुजरात में तो हम फिक्सिंग करते रहेंगे कांग्रेस के साथ और अपनी सरकार बनाते रहेंगे, 27 साल से यही कर रहे हैं वहां पे। गुजरात के लोगों ने गले लगा लिया आम आदमी पार्टी को, गुजरात के लोगों ने इस मॉडल को अपना लिया है, गुजरात के लोग कहते हैं हमें बिजली 24 घंटे चाहिए, फ्री चाहिए, गुजरात के लोग कहते हैं हमें शिक्षा वर्ल्ड क्लास चाहिए, स्कूल अच्छे चाहिए, तो अब ये बौखला गए हैं बुरी तरह से कि अगर गुजरात चला गया तो इनको पता है कि ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, नेताओं को कह दिया है कि 2-3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहिए, ये गुजरात जैसे जैसे हम लोग गुजरात में बढ़त हासिल करते जाएंगे ये सबको जेल में डालेंगे, डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आजादी की लड़ाई में निकले हुए हैं, सिर पे कफन बांध के निकले हैं, जो आपसे होता हो, जो एजेंसी लगती हो, जहां भेजनी हो कर लीजिए, 100 रुपए नहीं निकाल पाए आज तक ब्लैक मनी के, 100 रुपए नहीं निकाल पाए, ये सारी एजेंसी लगा दी इन्होंने, कुछ भी कर लें, जब हम ईमानदार नीयत से एक टारगेट लेके चल रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे, हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे के रहेंगे। वन इंडिया वन नेशन हरियाणा से शुरुआत किया आपने, भारत जोड़ रही है कांग्रेस भी कश्मीर से कन्याकुमारी, या फिर ये कहें कि कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर की तरफ,
किस तरीके से देखते हैं, उनकी तरफ से भी एक नई जो यात्रा है वो शुरू की गई है। देखिए, हमने तो मेक इंडिया नंबर वन मिशन ये अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया, और इसका इसका मतलब यही है कि इंडिया तब नंबर वन बनेगा जब 130 करोड़ लोग एक साथ जुड़ जाएं, एक जैसा सपना देखें कि हमको विकसित देश बनाना है, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। अगर सारे लोग ये कहने लगे कि स्कूल अच्छे चाहिए तो ही वोट मिलेगा, किसी भी पार्टी को चाहिए तो स्कूल बेस्ट करके दो हमें, तो अपने आप सारे स्कूल बेस्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 10 लाख स्कूल हैं देश में, बोले कि 14,000 स्कूल हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, हमने स्वागत किया उस चीज का, लेकिन आप सोच के तो देखिए कि किस तरीके की संकुचित सोच है। 14,000 स्कूल अगर आज बनाएंगे तो 10 लाख स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने में, अच्छा स्कूल बनाने में एक सदी लग जाएगी। ना मोदी जी होंगे, ना भारतीय जनता पार्टी होगी, नहीं होगी, कौन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता, एक सदी आगे का सपना दिखाते हैं हमें, तो सपने दिखाने वाली पार्टी से बचना चाहिए। अमित शाह जी खुद कहते हैं, अमित शाह जी खुद प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सपने बेचती है इससे बचना चाहिए। आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा, अच्छा है, सबको करना चाहिए, उनका प्रोग्राम है, हम उस पर क्या कमेंट करें उसमें, लेकिन अपनी पार्टी को तो जोड़ के रखें। इतना तो बनता है कि भारत जोड़ने से पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ें और फिर उसके उस संदेश को लेकर के लोगों के बीच में जाएं तो लोग कुछ सुने भी। अपनी पार्टी में तो इनके दो फाड़ हुई रहती है, अपने 31 विधायकों से अपने राज्यसभा सांसद को वोट नहीं दिलवा पाए ये हरियाणा के अंदर, नहीं तो विपक्ष का एक सांसद बढ़ता वहां पे। ये हरियाणा के लोग ये देख रहे हैं कि जो अपने विधायकों से नहीं अपने सांसद को वोट दिलवा सकता तो वो लोगों के वोट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है, लोगों लोग किस बिना पे वोट देंगे उनको। हरियाणा के अंदर एक नई शुरुआत और हो रही है, इंडियन नेशनल लोकदल अपने रिवाइवल को देख रही है चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अंदर, विपक्ष के कई नेता दूसरे प्रदेशों से निकल करके आ रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों के, किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं? देखिए, चौधरी देवीलाल जो सपना लेके चले थे वो एक बड़े नेता थे, उनका एक बड़ा सपना था, एक बड़ी पॉलिटिक्स थी, उस सपने को इन्होंने बेच दिया, इनके बच्चों ने, पोते पोतों ने, इन्होंने बेच दिया उस सपने को, इन्होंने बिल्कुल ऐसी निजी राजनीति करके, पैसे की राजनीति करके, अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करके, आप सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि अगर आज चौधरी देवीलाल जिंदा होते और अगर आज यहाँ पर होते तो किसान आंदोलन के वक्त वो ऐसी सरकार के साथ रह सकते थे जो किसानों के खिलाफ खड़ी हो? तो मुझे लगता है कि ये तो विचार ही खत्म कर दिया उनका इन लोगों ने, ये पार्टियों का कोई रिवाइवल नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं, ये ऐसे वाली स्थिति हो गई कि डॉक्टर भी जवाब दे चुका है जी अब तो घर ही रख लो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वैसे वाली स्थिति में है, ये पॉलिटिकल पार्टीज रिवाइव नहीं हो सकती है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो अनुराग ढांडा हमारे साथ थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना विजन उनकी तरफ से बताया गया कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर अब आगे कदम रखने हैं, आदमपुर के उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर मान रहे हैं, 2024 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इसका परिणाम अपने आप में ये बताएगा कि आने वाली सरकार किसकी है। साथ ही साथ प्रदेश के तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की, अपनी प्रतिक्रिया बेबाकी से दी है। हमारे इस खास शो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।